गोरखपुर महोत्सव का आज दूसरा दिन है और चंपा देवी पार्क में जिस तरीके से डॉग शो का आयोजन किया गया, यह चौथा एनुअल गोरखपुर डॉग शो है और हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह सर हैं और ये विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि डॉग शो में कहां कहां से और किस किस ब्रिड के डॉग्स हैं जो आज इस कॉम्पिटिशन में शामिल हुए हैं। जो ये चौथा आपका ये डॉग शो है गोरखपुर महोत्सव का, तो ये किस ब्रिड के हैं और किस तरीके की प्रतियोगिता है? गोरखपुर जनपद में पिछले 5 या 6 सालों से कराया जा रहा है, पिछले साल कोरोना की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था, इस वर्ष ये चौथी बार इसका ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यहाँ पे मेनली गोरखपुर शहर के ही पार्टिसिपेंट होते हैं जो हम लोग के टच में रहते हैं और जो संपर्क में रहते हैं, उनको इन्विटेशन दिया जाता है, उन लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसमें जो भी हमारे यहाँ पे ब्रीड्स हैं जैसे जर्मन शेफर्ड है, चीनी है, लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, इस तरीके की जो ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं अपने ऑर्डर के साथ और जिनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पुरस्कार दिया जाएगा और कंसोलेशन प्राइज सभी को दिया जाएगा। और जो तीन इन सारे ब्रीड में जो सबसे बेहतरीन तीन होंगे उनको अलग से पुरस्कार गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन डॉग शो का जो आयोजन किया गया है वो दिव्यनाथ पार्क है और आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग ब्रीड के डॉग्स आए हुए हैं जो बेहद काफ़ी ऐसे ऐसे डॉग्स हैं जो देखने में काफ़ी डेंजरस भी दिख रहे हैं और लेकिन कहीं ना कहीं ये पेट एनिमल है इसलिए हर कोई अपने डॉग्स को लेकर गया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं डॉग किस तरीके से अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आए हुए हैं और सबके एक साथ कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग कर रहे हैं और इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस देने की बात कही जा रही है। मेरा नाम प्रमोदित साहनी है। कौन सा ब्रीड है ये? ये लैब्राडोर है। अच्छा, ये कितने साल का हो गया है? ये 2 साल का मेल है। ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट? हाँ जी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्साइटमेंट था पार्टिसिपेट करने से पहले? काफी एक्साइटमेंट था कि पार्टिसिपेट पहली बार करें और बेसिकली सोशलाइज हो बाकी डॉग से। कौन सा ब्रीड है ये? बुल मस्टी ब्रीड की है। अच्छा, ये कितने साल का हो गया? 8 मंथ का है अभी बस। इसका कुछ नाम रखे हैं आप? हाँ, गिन्नी। गिन्नी कितने महीने या साल की है? अभी तो 7 मंथ्स के फीमेल है अभी। मैं डॉक्टर बी एन चौधरी, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर एनी रेलवे में हूँ मैं। क्या नाम है आपके पेट एनिमल जो भी ये डॉग है इसका नाम क्या है? इसका नाम बोरिस है। अच्छा, ये और कौन सा ब्रीड है? ये अलास्कन मलमूट ब्रीड है, ये पहाड़ की ब्रीड है और ये 0 डिग्री अलास्का की ब्रीड है ये, और 0 डिग्री माइनस डिग्री पे रहने वाला स्लेज खींचने वाला डॉग है ये। डॉग शो में आप अपने डॉग के साथ आए हुए हैं, पहली बार आया या इसके पहले भी कभी आया है? इसके पहले अभी छोटा सा डॉग शो था गोरखपुर में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप इसमें शामिल हो रहे हैं गोरखपुर महोत्सव के डॉग शो में? फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट टाइम। तो आपको मतलब क्या लग रहा है गोरखपुर महोत्सव में यहाँ डॉग शो में आप पार्टिसिपेट किए, कैसा फील हो रहा है? ये महोत्सव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नई शुरुआत हो रही है। क्या नाम है मैम आपका? संगीता कारुनेश। बहुत अच्छा लगा डॉग शो एंड इट्स ऑन काइंड, जैसे मतलब लोग यहाँ देख रही हूँ बहुत एंथुसियास्टिक हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं एंड यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रीड्स जो कि रेयर भी हैं लाइक अलास्कन, अभी मैं बात भी कर रही थी जिनका अलास्कन मॉन्टेफ, आई डोंट नो नाम प्रॉपर, बट अच्छा लग रहा है आके एंड पीपल का अवेयरनेस भी देख रही हूँ, पेट के प्रति मैं लव भी देख रही हूँ, तो अच्छा लगा।